अभी सबका ध्यान इस ओर है कि वो मिसिंग सिक्स, वो छह विधायक इस घड़ी के पेंडुलम में किस तरफ झूलेंगे, कहां जाएंगे, अजीत पवार, शरद पवार, अजीत, शरद। तो ये पेंडुलम अभी भी चल रहा है, कार्यक्रम में 10 मिनट बीत चुके हैं। ये छह कहां है ये पता नहीं है, लेकिन जो दिख रहे हैं वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए कैमरों के सामने एफिडेविट भरते दिखे। ये शरद पवार समर्थक हैं जिन्होंने अपनी वफादारी दिखाने के लिए हलफनामों पर दस्तखत किया है। अजीत पवार के गुट ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग में अपना दावा भी पेश कर दिया। अजीत पवार कैंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनसे 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन में एफिडेविट चुनाव आयोग में भेज दिए गए। शरद पवार कैंप के नेता जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग में कैवियट दायर, कैवियट मतलब कि एक मेरी भी बात सुन ली है, और ये कह दिया कि इसका मतलब ये है कि अजीत पवार कैंप की मांग पर कोई भी फैसला देने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, इसी को कैवियट कहा जाए। जयंत पाटिल की ओर से ये भी कहा गया कि पाला बदलने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की मांग भी स्पीकर से कर दी गई और उस पर कार्रवाई लंबित है, स्पीकर को फैसला अब लेना। अब सवाल ये है कि क्या अजीत पवार का गुट दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई से बच पाएगा, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या वो इससे, ये जो दल बदल निरोधक अधिनियम है उससे बच पाएंगे? दल बदल विरोधी अधिनियम जो है वो पार्टियों के बीच कूद फांद करने वाले विधायकों या सांसदों को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है कि आप ये ना करते रहें, इधर से उधर आप कूदते रहें। पहले ये सीमा बहुत कम थी तो लोग अपनी पार्टी एक पार्टी से चुनते थे और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे, ये तो सरासर धोखा हुआ जनता के साथ। उसके बाद वो नियम बढ़ा, एक तिहाई हुआ, फिर वो नियम और बढ़ा, उसमें उत्तर प्रदेश की एक इतिहास रहा है। अब ये इसलिए किया गया ताकि सरकारें स्थिर रह सके। इसके तहत अगर कोई स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में वोट करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, यानी कि फिर वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहेगा, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर आपकी स्टेट असेंबली हो। इस कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए किसी भी पार्टी के कम 2/3 सदस्यों को अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय होना होगा, या फिर अगर 2/3 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपने आप को पार्टी कह सकते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं संसदीय मामलों के जानकार पीडीटी आचार्य। पीडीटी आचार्य जी, दल बदल अधिनियम जो है उसके तहत किसी को कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है? देखिए, दल बदल कानून जिसको 10th शेड्यूल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, उसके अंदर एक चुने हुए एक MLA हो या MP हो, वो चुनने के बाद अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो वो अयोग्य किया जाता है उनको। जो अयोग्यता का जो फैसला है वो स्पीकर देते हैं। अगर कोई MLA या MLC या MP अपनी पार्टी छोड़ के कहीं दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो वो पार्टी जिसको उसने छोड़ा है वो पार्टी अगर पिटिशन देंगे स्पीकर को और स्पीकर से प्रार्थना करेंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या अयोग्य किया जाए, तो स्पीकर उस पर फैसला देते हैं। तो अयोग्य बनाने का दो ग्राउंड्स है, एक तो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना चुनने के बाद, मतलब MLA MP बनने के बाद अगर स्वेच्छा से वो पार्टी छोड़ते हैं, और दूसरा जो हाउस के अंदर, मतलब असेंबली हो या पार्लियामेंट, उसके अंदर जब वोटिंग होता है उस वक्त अपनी पार्टी के व्हिप के डायरेक्शन को का उल्लंघन करके किसी और को वोट देता है, तो उस हालत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये जो दो ग्राउंड्स है डिस्क्वालीफाई करने का, और यहां महाराष्ट्र में जो है वहां पर
जो पहला ग्राउंड मैंने जो कहा है, मतलब स्वेच्छा से पार्टी छोड़िए, वो ग्राउंड, उसी ग्राउंड पर इन्होंने पिटिशन दिया है स्पीकर को। अब स्पीकर को इसके बारे में फैसला देना होता है। जब स्पीकर फैसला देंगे जी, अगर इनके पक्ष में है तो मान लेंगे, और इनके पक्ष में नहीं है तो वो कोर्ट में जाएंगे। जी आचार्य साहब, ये कहा जा रहा है कि दो तिहाई विधायकों के साथ अलग होने से अजीत पवार ये जो दल बदल अधिनियम है इसके तहत कार्रवाई से बच जाएंगे, क्या नियम ऐसा कहते हैं? टू थर्ड्स मेजोरिटी का मतलब तब होता है जब पार्टी विलय होती है दूसरी पार्टी में। अब मान लो टू थर्ड्स मेजोरिटी इनकी आती है, जो नंबर है वो टू थर्ड्स है, तो इनको दूसरी किसी पार्टी में विलय होना चाहिए, नहीं तो इनको टू थर्ड मेजोरिटी से कोई फायदा नहीं मिलता। ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन आचार्य साहब आपके हिसाब से, ये आपने बड़ी विचित्र बात बताई और महत्वपूर्ण बात बताई, अजीत पवार कार्रवाई से कैसे बच सकते हैं? देखिए, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कानून एक्सप्लेन कर सकता हूं। वो फिर स्पीकर के डिसीजन पर होता है, इसमें डिसीजन लेने वाला तो स्पीकर है, वो सारी चीजें देख करके एविडेंस के बेसिस पर और कानून के बेसिस पर एक फैसला देंगे, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कौन बच सकता है। बिल्कुल, जो पिटिशन इन्होंने दिया है तो उसके बेसिस, उसके तो स्टडी करके स्पीकर सबको बुला करके पूछेंगे और उसके बाद एक फैसला देंगे।